हैं 2019 में किसको कितनी सीटें मिली ओवरऑल लोकसभा में। बीजेपी को 303 सीटें मिली जिसका वोट शेयर गया 37.7% तक। कांग्रेस को 52 सीटें मिली, समिट कर 52 पर आ गई जिसका वोट शेयर 19.7 रहा। इसके अलावा डीएमके को 23 और वोट शेयर 2.3, टीएमसी को 22 वोट शेयर 4.1। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिली जिसका वोट शेयर रहा 2.6 और अन्य के खाते में 120 सीटें गई थी जिसका वोट शेयर कुल मिलाकर 33.6 रहा। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें मिलाकर 120 लोकसभा की सीटें होती हैं, ये सबसे ज्यादा गणित है और यहीं से ही सत्ता तय भी होती है दिल्ली की। विपिन, अगर आपके साथ कुछ लोग हों तो जरूर बताए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है, हर दल ये कोशिश में होगा कि 2019 के रिजल्ट को बदला जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री ने अगर गृह राज्य के बाद देश के किसी राज्य को चुना तो उत्तर प्रदेश को चुना, क्योंकि वो इसके महत्व को जानते हैं। 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं और देश में प्रधानमंत्री कौन होगा इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश अदा करता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जब पूरा देश चुनावी समर में कूदने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में जो जोर आजमाइश है वो बहुत तेज है। और आप जानते हैं कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि उत्तर प्रदेश में काबिज होने के लिए और ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने के लिए हर दल यहाँ कोशिश कर रहा है, लेकिन माहौल जो कहता है कि वो बहुत फेवरेबल बीजेपी के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है, उसमें बहुत सारे कारण है। डबल इंजन की सरकार हो, काम किए गए हैं, तमाम क्षेत्रों को छूने की कोशिश की गई है और राम मंदिर का भी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मिलाजुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बेशक कोशिश कर रही हैं। ये तो प्रचलित कहावत है चुनावी राजनीति में कि केंद्र का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है, यानी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और हर बार हम ये दोहराते भी हैं और हर बार ये बात साबित भी होती है। लौटेंगे विपिन आपके पास और देखिए 25 साल में कैसे बदला है चुनावी गणित, जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के जो साल है वो हम आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कुल वोटर्स जो हैं वो कैसे कैसे इसमें बढ़ते चले गए, करोड़ की संख्या में वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, चाहे 1999 के चुनाव 1999 के हों, 2004 के हों, 2009 के हों, 2014 के हों, 2019 के हों, हर चुनाव दर चुनाव देखिए आप वोटर्स की संख्या बढ़ी है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के सामने होती है कि इन मतदाताओं को बूथ तक लाना। तो देखिए 1999 की बात करें कुल वोटर्स इसमें 61 करोड़, 2004 में 67, 2009 में 71, 2014 में 83, 2019 में 90 करोड़। वोटिंग प्रतिशत भी देख लीजिए 1999 में 60%, 2004 में 58, 2009 में 58 और 2014 में ये वोट प्रतिशत बढ़ता है 66 और 19 में और बढ़ता है 70 और दोनों में नरेंद्र मोदी की जीत होती है। उम्मीदवारों की बात करें 4648 उम्मीदवार 1999 में मैदान में थे, 2004 की बात करें 5435, 2009 की बात करें इसमें सीधे लगभग दुगने 8070 उम्मीदवार, 2014 में 8251 और 2019 में 8039। पार्टियों की बात करें, नंबर्स ऑफ पार्टी जिन्होंने चुनाव लड़ा 1999 में 169, 2004 में 230, 2009 में 363, 2014 में 464 और 2019 में 669, यानी आप देखिए पार्टियों की भी संख्या बढ़ी है। चुनावी खर्च देखिए 1999 में 947 करोड़, 2004 में 1016, 2009 में 1114, 2014 में 3870 और 2019 में 7000 करोड़, यानी चुनावी खर्च जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ा है और जबरदस्त तरीके से इन चुनावों में बढ़ता ही जा रहा है, बावजूद इसके कि चुनावी खर्च को सीमित करने की बात चुनाव आयोग लगातार करता रहा है। प्रीति हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है वाराणसी से, जरा वाराणसी का मूड बताइए प्रीति, वहां लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीखों का ऐलान का और बनारस कैसे देख रहा है इस बार के चुनाव? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं वाराणसी में मौजूद हूं और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। कुल 80 सीटों में यहां पे 15.5 करोड़ वोटर्स हैं यहां पे और यहां पे इस समय वाराणसी में बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठे हैं बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाराणसी की लोगों का क्या मूड है इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है और जो दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ ही जाता है।
है, इन्हीं लोगों के पास चलते हैं। बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग जाने वाले हैं वोट करने के लिए और कितना अहम हो जाता है इस बार? देखिए मुद्दा तो अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हाँ देश को खुशहाल बनाने के लिए, देश को शांतिमय लाने के लिए मोदी जी को लाना बहुत ही जरूरी है, यही एक मुद्दा बचा हुआ। आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने माननीय मोदी जी को पिछली बार वोट दिया था और जो उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने जो बोला जैसे हमारा राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गया, तो जो उन्होंने बोला उन्होंने कर दिखाया और बोला उन्होंने वो कर दिखाया ही। बताइए अंकल आप क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, किन किन मुद्दों को इस बार आप लोग आगे रखेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या चल रहा है? देखिए मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में भी, और काशी के लिए सौभाग्य है कि हम लोग को मोदी जी जैसा नेता मिला, क्योंकि आज़ादी के बाद यहाँ कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। जो अंग्रेजों ने जैसा छोड़ा था बनारस को वैसा ही है, मोदी जी ने व्यापक परिवर्तन किया है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार अगर वो आते हैं जो कि अवश्यंभावी है तो बनारस का और विकास और, होगा और क्या मुद्दे, का भला मुद्दे होगा। क्या रहेंगे इस बार आप लोगों के, बहुत अहम हो जाता है वाराणसी? नहीं वाराणसी तो अहम है ही है, क्योंकि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और इसके पहले जितने भी यहाँ प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कोई पहले वाराणसी संसदीय सीट से हुआ नहीं था, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो वाराणसी संसदीय सीट से हुए हैं और इसका जो है विकास हुआ है वाराणसी के साथ साथ देश का, इन लोगों का कहना है आप क्या जी? बड़े उत्साह का माहौल है पूरे देश में, खासतौर से काशी की नगरी में। मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ पूरे बनारस की जनता बिल्कुल उनके साथ लोगों है। की प्रतिक्रियाएं हैं कि वाराणसी में व्यापक परिवर्तन हुआ है, जैसा कि प्रीति बता रही है संसदीय सीट है प्रधानमंत्री मोदी की और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से ही है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें और ज्यादा चौगुना बढ़ गई है। बहरहाल हम रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहले संघर्ष किया 2019 में, लेकिन एक जो नतीजे सामने आए उसके बाद ये परिणाम के रूप में आगे बढ़ी बीजेपी की, शायद इस बार और ज्यादा कमाल हो सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। रविशंकर दत्ता वहां किस तरह का मूड है कोलकाता की जनता का? हाँ देखिए अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो सबसे चिंता की बात है, ममता बनर्जी का तबीयत अभी उतना भी ठीक नहीं है क्योंकि हाल ही में उनका साथ एक एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग यहाँ पे हैं, थोड़ा उनके साथ बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं चुनाव को लेके वो क्या कहते हैं। सामने चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे क्या चिंता है चुनाव को लेकर आप बोलिए ना, क्या चिंता है चुनाव को लेके, क्या सोच रहे हैं चुनाव कैसा हो इस बार? तो ठीक ठाक हो और क्या बताए। तो पश्चिम बंगाल में क्या मुद्दा होना चाहिए, संदेशखाली मुद्दा है इस बार? हाँ है। आपके वोट उस पर इफेक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा चलिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, यहाँ पे दुकान में बैठे हुए हैं इनके साथ भी बात करते हैं, हमारे साथ बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये पूछ रहे हैं संदेशखाली इस बार मुद्दा होगा चुनाव में, आज चुनाव का रिजल्ट घोषणा होने वाला है? मुझे नहीं पता कि पब्लिक डिसीजन लेकर क्या करेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उस समय जब मैं वोट देने जाऊंगा उस समय जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार मैं वोट दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। चलिए ठीक है, तो लोग जो है ठीक है रविशंकर, तो देखिए अलग अलग राज्यों से हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप आज टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रही क्योंकि सबसे बड़ी राय इस ओपिनियन पोल में भी हम रखने वाले हैं आपके सामने।